जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। ताज़ा अपडेट लेते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा में कोरोना ने कहर बरसाया हुआ है। जहां हरियाणा में दिन प्रतिदिन कोरोना जो संक्रमित मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जितने भी मरीज संक्रमित हो रहे हैं कुछ उनके कम से कम चौथे या पांचवें हिस्से की ठीक हो रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि कोरोना का कहर पहले शहरों में था जहां पहली लहर आई थी। अब दूसरी लहर इतनी भयानक है कि गांव में भी कोरोना का कहर शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना का तीसरी लहर भी आने वाली है जो दूसरी लहर से ज्यादा भयानक होगी। हिसार के बैबलपुर में अब तक 16 की हो चुकी है मौत। कोई चिकित्सा का कोई इंतजाम नहीं है, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। आखिर क्या है मामला, हम आपको बता दें कि गांव बैबलपुर में महामारी की वजह से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। गांव में बुखार कहर बरपा रहा है। 3 लोगों की मौत बुधवार को जबकि 1 व्यक्ति की मौत गुरुवार को हो चुकी है। जहां गांव के सरपंच ने बताया कि लोग बीमारी के डर से घरों में दुबके हुए हैं, कोई भी दूसरे पड़ोसी के घर नहीं जा रहे हैं, घर से बाहर निकलने के लिए कतरा रहे हैं। लोगों को अभी तक बीमारी का रहस्य का ही नहीं समझ में आ रहा है कि कोरोना है या कुछ और है। कहीं से अफवाह हो रही है कि 5G लॉन्च होने की वजह से गांव के अंदर ऐसा हो रहा है, गांव के अंदर टावर है, इसकी वजह से गांव में जो बीमारी है वह कहर बरपा रही है। लेकिन गांव के पड़ोसी गांव में स्थित धानसु PHC में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, न ही प्रशासन अभी तक हरकत में आया है, न ही कोई चिकित्सा उपचार मिला है। तो ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है। गांव के सरपंच ने खुद कहा है कि बीमार के कारण घरों में लोग दुबके हुए हैं और उनके जो पड़ोसी गांव है धानसु में जो PHC के अंदर में बैबलपुर गांव आता है वहां पर गंभीर मरीजों के लिए भी कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए ताकि जो अभी तक 16 की मौत हो चुकी है आगे मौत का सिलसिला खत्म हो सके। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।